50 गो स्टूडेंट बिना OMR सीट के पास हो गया, लेकिन क्या हुआ, घपला हो गया, घोटाला हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। या तो 5 साल मेहनत कीजिए दबा के, या तो मोटा गड्डी रख लीजिए जेब में। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बेचारे यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। सर एक बार उनका नाम बताइएगा। उनका नाम गुलाम हुसैन। कितने दिन से हैं ये? 3 दिन से भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हैं। इन्होंने भी एग्जाम दिया था। सफल अभ्यर्थी है, सच के लिए हक पे डटे हुए है। किस लिए? क्योंकि सबके साथ इंसाफ हो। लेकिन नहीं, यहाँ की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो दोषी है कार्रवाई कीजिए, उनको सजा दीजिए। इतना लंबा लंबा गैप के बाद एग्जाम होता है, पेपर होता है, तैयारी करने वाला बूढ़ा हो जा रहा है। ये देखिए, ये अभ्यर्थी लोग है, JPSC का स्टूडेंट है, 5 साल रगड़ के मेहनत किया, जम के मेहनत किया। काहे किया? अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छा घर के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए। लेकिन 5 साल बाद JPSC परीक्षा हुआ और परीक्षा का इंतजार, रिजल्ट का इंतजार किया बेसब्री से। लेकिन क्या हुआ? हुआ ही कि 50 गो लड़का जो है, 50 गो स्टूडेंट बिना OMR सीट के पास हो गया। ठीक है जी, पास हो गया। तो ये लोग जो है, आप 5 साल तैयारी कीजिएगा, 5 साल के बाद एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? ये करना पड़ेगा, धरना पे बैठना पड़ेगा, अनशन पे बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, आप समझिए। तो ये है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, झारखंड की लचर व्यवस्था। आप समझिए कि इन अभ्यर्थियों को, इन अब ये अभ्यर्थी जो है पिछले 1.5 महीना से अनशन पे बैठे हुए, आंदोलन पे बैठे हुए हैं, सरकार के कान पे चू नहीं रेंग रहा है, सब सोया हुआ है। काहे सोए हुए हैं जी? इनको कौन देखेगा? मुख्यमंत्री साहब कहा करते थे इलेक्शन से पहले, बड़ी बड़ी भाषण दिया करते थे, 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। सर रोजगार मिलता, कुछ लोगों को रोजगार मिलता, और आपको कहने के लिए हो जाता कि हमने रोजगार दिया है। लेकिन क्या हुआ? घपला हो गया, घोटाला हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। और आप जो है, 2 साल हो गया, 2 साल में कोई रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार मिलता 500 को ही मिलता, 1000 लोग को ही मिलता, लेकिन मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ जस्ट उसका उल्टा। बेचारा लोग परीक्षा दे के उम्मीद में रहा होगा कि हम जो है पास करके बढ़िया लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन इन अभ्यर्थियों को हम कहना चाहते हैं कि पास करने के लिए या तो 5 साल मेहनत कीजिए दबा के, या तो मोटा गड्डी रख लीजिए जेब में। दो काम हो सकता है, या तो पैसा रखिए मोटा, या तो बढ़िया से पढ़िए। लेकिन यहाँ पढ़ के भी क्या कीजिएगा, सेटिंग गेटिंग वाला पास हो जा रहा है। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बेचारे यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। आप देखिए, ये 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको देखने वाला, इनको पूछने वाला एक से बढ़कर एक नेता है झारखंड में, कोई नहीं आ रहा है इनसे बात करने वाला। इनकी तबीयत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री साहब रोजगार की बात करते थे, सर रोजगार कहाँ गया? तेल लेने चला गया क्या रोजगार? बताइए, कुछ लोगों का रोजगार मिल रहा था JPSC के द्वारा, लेकिन क्या हुआ? सेटिंग वाला पास हो गया। अभी तो 50 का आंकड़ा आया है, हो सकता है 100 का भी आंकड़ा हो, 150 का भी आंकड़ा हो, 200 का भी आंकड़ा हो सकता है। क्योंकि जब घपला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो कितना हुआ है ये जब जांच बैठेगा तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा भैया। आप समझिए, ये भाई साहब, सर इनका क्या नाम है? सर एक बार उनका नाम बताइएगा। इनका नाम गुलाम हुसैन है। कितने दिन से हैं ये? 3 दिन से भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हैं। इन्होंने भी एग्जाम दिया था जी? ये सफल अभ्यर्थी है, ये सफल अभ्यर्थी है जी, पर ये सच के लिए और सत्य के लिए डटे हुए हैं। ये देखिए, गुलाम जी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं,
सफल अभ्यर्थी है सच के लिए, हक पे डटे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि सबके साथ इंसाफ हो। लेकिन नहीं, यहाँ की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी मर जाए लेकिन उनके उनको कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं अपना, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार रैली में लगे हुए हैं। सर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, लेकिन इनकी बात सुनिए, इनसे मिलिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इस पे बात कीजिए कि हाँ गलती हुई है। अब गलती कहाँ हुई है? जो दोषी है उन पे कार्रवाई कराइए, कार्रवाई कीजिए, उनको सजा दीजिए। नहीं तो हमेशा एक तो झारखंड में इतना लंबा लंबा गैप के बाद एग्जाम होता है, पेपर होता है, तैयारी करने वाला बूढ़ा हो जा रहा है यहाँ पे, तैयारी करने वाला बूढ़ा हो जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है? उसका नतीजा ये मिल रहा है कि बेचारा लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक की बात है, आप समझिए, कितनी शर्मनाक बात है, आंदोलन करना पड़ रहा है जेपीएससी अभ्यर्थियों को। आप देखिए कितनी तादाद में भीड़ लगी हुई है, देखिए देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। पिछली बार भी इन्होंने सीएम आवास का घेराव किया था, लेकिन उस समय ने डंडों की बरसात करवा दी थी, हेमंत सोरेन ने लाठियां चलवा दी थी। चलवाइए सर, कितना चलवाइएगा, ये लोग भी बेचारे लोग पड़े हुए हैं डंडा खाने के लिए। ठीक है, आप देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय